डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक शॉर्ट वीडियो लेने वाले हैं ऑन एसिड हैलाइड्स, राइट। एसिड हैलाइड जिसको जो एक प्राइमरीली एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव है एसिड का, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड के चार डेरिवेटिव्स हैं, एसिड हैलाइड, एसिड ईस्टर, एसिड अमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। मैंने एक अपना वीडियो पब्लिश किया जिसमें मैंने एसिड डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया और उनके सिंथेसिस कार्बोक्सिलिक एसिड से वो दिखाएं। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स या कन्वर्जन ऑफ एसिड टू एसिड डेरिवेटिव्स ये जरूर देखें एंड देन स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। वेरी नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट एसिड हैलाइड्स RCOX। सारे डेरिवेटिव्स की हमने एक खासियत पढ़ी कि हम उनको एसिड से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर दे कैन बी इंटर कन्वर्टेबल इंटू ईच अदर। मतलब हम एसिड डेरिवेटिव को एक एसिड डेरिवेटिव से दूसरे एसिड डेरिवेटिव को बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि जब हम बात कर रहे थे एसिड से एसिड हैलाइड बनाना है अगर, तो आई कैन हैव दीज थ्री वेज विच इज कॉल्ड एज वाया यूजिंग PCl3, वाया यूजिंग PCl5, वाया यूजिंग SOCl2। इससे बड़े कन्वीनियंटली एसिड से एसिड डेरिवेटिव बन सकते हैं, राइट। कौन सा एसिड डेरिवेटिव? एसिड हैलाइड, राइट। तो दीज आर नथिंग बट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स, या हम इसको बोले दे आर रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। दे आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड। इसके अलावा ये इसकी डिटेल्स हम अपने इंट्रोडक्शन टू एसिड डेरिवेटिव्स में दे चुके, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन एंड आई एम डायरेक्टली प्रोसीडिंग टू द रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड। एक बात ध्यान रखनी है कि हमने क्या बोल के हमारी कहानी शुरू की। हमने बोला एसिड से उसके डेरिवेटिव्स बनते और डेरिवेटिव्स से या तो वापस एसिड बन जाएगा या दे कैन इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर। से फॉर एग्जांपल आई से द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी व्हेन एसिड हैलाइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल ROH, राइट। जब एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल तब क्या होता? देर इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अब भी देर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ईस्टर। ट्राई टू से दिस अगेन दैट एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव्स कैन बी इंटर कन्वर्टेबल इंटू ईच अदर। देखो यहां पर हमने देखा एसिड हैलाइड से बड़े आराम से क्या बन गया? ईस्टर। यही एसिड हैलाइड ले लो और इसको रिएक्ट कर लेते हैं हम, इस एसिड हैलाइड को लेके हम इसको रिएक्ट कर लेते हैं अमोनिया के साथ, ठीक है। तो क्या हुआ? यहां से H और यहां से X बाहर आ गया और बचा कौन? RC(ONH2)। मतलब हमने यहां पर एसिड हैलाइड से क्या बना लिया? अमाइड, क्लियर। वैसे ही RC(OX) ले लिया मैंने और उसके साथ मैंने सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिड यूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल RCOOH। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। इसमें क्या होगा? देर इज अगेन लॉस ऑफ HX एंड वॉट विल आई गेट? आई विल गेट RC(OOC)OR। मतलब मेरे को एनहाइड्राइड मिल गया। तो वॉट आर वी सेइंग? एसिड कैन बी कन्वर्टेड इन टू इट्स डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव कैन बी वेरी इजिली कन्वर्टेड इंटर कन्वर्टेबल। जैसे एसिड हैलाइड से हमने ईस्टर बनाया, एसिड हैलाइड से हमने अमाइड बनाया, एसिड हैलाइड से हमने एनहाइड्राइड बनाया। एक और चीज हम देख सकते हैं कि एसिड हैलाइड से ही हम बड़े आसानी से और बड़े कन्वीनियंटली हम बैक टू एसिड ले सकते हैं। जब हम क्या करेंगे? उसका हाइड्रोलिसिस, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वॉटर। कैसे? वॉट डू आई गेट? RC(OOH). सी अगेन देर इज लॉस ऑफ HX। सो कोई भी डेरिवेटिव, अभी हम आगे वीडियोस देखेंगे जिसमें हम ईस्टर्स पे बात करें या एनहाइड्राइड पे बात करें या अमाइड पे बात करें, सभी में ये एक बेसिक बात रहेगी क्या? कि एसिड से एसिड के डेरिवेटिव्स बना लो
और जो डेरिवेटिव बनाए दे कैन बी इंटरकन्वर्टेबल राइट. तो यहां पर यू कैन सी वेरी इजीली दैट एसिड हैलाइड कैन फॉर्म एसिड, एसिड हैलाइड कैन फॉर्म ईस्टर, एनहाइड्राइड और अमाइड, ऑल द डेरिवेटिव्स एंड प्लस द रियल पेरेंट एसिड. ठीक है, ये हो गए सिंपल रिएक्शंस. ये हम किसी भी एसिड डेरिवेटिव के लिए बड़े कन्वीनियंटली लिख सकते हैं. इसके अलावा दो स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ते हैं हम एसिड हैलाइड के. वन, क्योंकि एसिड हैलाइड एसिड ही है, एसिड का डेरिवेटिव ही है राइट. एसिड हैलाइड इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिड ओनली राइट. तो वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इट कैन शो इज दैट जैसे एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स यू एल्डिहाइड एंड कीटोन, विच ऑन रिडक्शन गिव्स यू अल्कोहल, वैसे ही एसिड हैलाइड भी ऑन रिडक्शन से, सोचो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया राइट, तो दिस कैन ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और से कीटोन एंड विच कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. तो जो बात है एसिड के लिए लागू, ये रिएक्शन से हम ये बोलने की कोशिश करें कि नॉट इवन दिस, एवरी अदर थिंग विच एसिड कैन डू एसिड हैलाइड कैन ऑल्सो डू. और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एसिड नहीं कर सकता, हमने इसके पहले भी बोला कि एसिड हैलाइड तो एक ऐसा बच्चा है एसिड का जो एसिड से भी मच मच बेटर है. कैसे? जैसे एक बहुत क्लासिक रिएक्शन है विच इज कॉल्ड एज फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन. फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, ये रिएक्शन बेंजीन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ये रिएक्शन कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिखाता, लेकिन एसिड हैलाइड एसिड एनहाइड्राइड ये रिएक्शन बड़े आराम से दिखा लेते हैं. कैसे? देखो, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज एसिड हैलाइड RCOCl. दिस इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप, ACYL असाइल ग्रुप. कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन. जब भी फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन होते तब कैटलिस्ट यूजेस AlCl3 ऑलवेज राइट. एंड व्हाट इज इट? इट इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन. कैसे हो रहा है? दिस इज बेंजीन एंड यू गेट व्हाट? COR असाइलेटेड बेंजीन इज फॉर्मड. असाइलेटेड, दिस इज कॉल्ड एज फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन. तो हमने इस वीडियो में देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बड़े आराम से हम एसिड हैलाइड बना सकते हैं. ठीक है, ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ना कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से, लेकिन हम दूसरे एसिड डेरिवेटिव से भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड बना सकते. और एक बार हमने एसिड हैलाइड बना लिया तो हमने रिएक्ट करके देखा कि भैया इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, एसिड वापस बना सकते हैं, या फिर एसिड के दूसरे डेरिवेटिव्स ईस्टर बना सकते, अमाइड बना सकते, एनहाइड्राइड बना सकते. ये तो चार रिएक्शन हर एक एसिड डेरिवेटिव दिखाएगा ही. इसके अलावा जो हटके रिएक्शन दिखाता हूं, क्या एक सादा रिएक्शन अगेन फिर से एसिड की रिएक्शन. एसिड हमेशा ऑन रिडक्शन गिव्स यू एल्डिहाइड, विच ऑन रिडक्शन गिव्स यू अल्कोहल, तो ये भी दिखाता. और ये रिएक्शन फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन जो एसिड दिखा ही नहीं सकता वो भी दिखाता, क्योंकि बेटा बाप से आगे है. क्या? देयर इज असाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग. दैट इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड. थैंक यू सो मच. Keep watching more videos on acid derivatives on this channel.